आपका न्यू ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करते हैं देव ब्लॉगर। तो अब ये हमारी वैष्णो देवी की दूसरी जर्नी और दूसरा दिन है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लॉग समाप्त करता है, ये नए ब्लॉग स्टार्ट करा है मैंने। और ये अपना ब्लॉगिंग होने वाला है ट्रैकिंग का, जो कि हम वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर जाएंगे। अभी हम नीचे हैं, अभी हम ऊपर जाएंगे, चढ़ाई करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और चलते हैं। नहा धो के तुम्हारा भाई भी रेडी हो चुका है और ट्रैक सूट पहना है तुम्हारे भाई ने, कमेंट करके बताओ ना। और ये जूता पहना है, कमेंट करके बताओ ना कि कैसा लग रहा है। चलो मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि कल हम जा रहे थे, पर इस टाइम पर बारिश पड़ रही थी तो इसलिए रुक गए थे थोड़ी देर, तो इसलिए मैं उस टाइम पर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और मेरे को टाइम भी नहीं मिला जो कि मैं आप सबको बता सकूं और बारिश दिखा सकूं। तो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग पे स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, और अब ट्रैकिंग कर रहे हैं सीधा। जो कि मैंने ट्रैक पहन रखा था वो भी सही है, मैंने सही टाइम पर उतार दिया, नहीं तो ऊपर जाके उसका भी गीला हो जाता, जूते भी चले जाते, सब कुछ गीला हो जाता। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग में स्टार्ट करा है सुबह ताजी ताजी में, और लेके जय माता दी का नाम और कर दो ट्रैकिंग स्टार्ट। तो वीडियो में एंड तक बने रहूँगा और पूरा ट्रैकिंग का रूल बताऊँगा जो कि यहाँ पे स्थित है, और 2023 की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सुबह सुबह बाहर निकल रहे हैं और सुबह की मॉर्निंग ताजी ताजी मॉर्निंग, चलो बाहर देखते हैं। फिर पंजीकरण के एंट्रेशन, मतलब यहाँ से पास बनवाना पड़ेगा आपको पहले, फिर आपकी एंट्री होगी। ये लाइन, यहाँ से पास बनेगा पहले कुछ इस तरीके का यात्रा कार्ड, जो कि आपको नंबर और अपना मकान नंबर और अपने आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और आधार कार्ड का नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ से बन रहा है आपका ये चीज़, ये अपना कार्ड। तो कुछ ज़्यादा लाइन लंबी नहीं है, कुछ सही है, यहाँ से बनवाना पड़ेगा। तो जो इनली अपना यात्रा पास भी बन चुका है, और अब यहाँ से आप ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं माता के द्वार पर। तो थोड़ा बाहर की साइड से रास्ता निकलता है, तो आप चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ का कैसा रास्ता है, कौन से रास्ते से जाना चाहिए आपको। चलो अपना मेन बाज़ार, जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये अपना मेन बाज़ार, और ये बिल्कुल शॉर्ट का रास्ता जा रहा है, ये बात याद रखो ना। सीधा जो मेन बाज़ार है, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ वो रास्ता बेटर रहेगा आपके लिए। ये मेन बाज़ार का रास्ता निकल रहा है, यहाँ से शॉर्टकट दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ से जाओ ना। बाकी जो पर्सनल जो होते हैं वो, तो देखो रास्ते तो बहुत हैं यहाँ के, बट जो मैं रास्ता बता रहा हूँ ये बेस्ट रास्ता है। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल सीधा भी है और चढ़ाई भी बहुत कम है यहाँ की। और बात करी जाए दूसरे रास्तों की, उन पर पत्थर रोड़े वोड़े सब पड़े हुए, तो इसलिए ऐसे आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। अपने सामने से यात्रा चालू, और बैग से मैंने यात्रा चालू करी थी, तो अब हम आगे चलते हैं। और ये सामने प्यारे प्यारे पहाड़ वैष्णो देवी के, माता के, और यहीं से इन पहाड़ों में अभी हम भी विजिट करेंगे। और यहाँ से आप डंडे भी ले सकते हो अंकल जी से। अंकल डंडे के क्या रेट है? 30 का दो डंडे, 30 के दो डंडे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, उनमें से कोई सा ले सकते हो। इनले ट्रैकिंग तो स्टार्ट कर रखी है हमने, थोड़ी थोड़ी दूर में, यार सुबह से कुछ खाया नहीं है। बट आप अगर यात्रा करो तो हल्का ही खा के खा रहे हो, लाइट खाना, जो कि आगे ऊपर दिक्कत ना हो। इसलिए एंट्री के लाइन में लग गए हम, तो एंट्री करवाते हैं फटाफट अंदर, ताकि भवन सामने जो दिख रहा है। फाइनली यहाँ से यात्रा चालू होते हैं, कंफर्म यात्रा, क्योंकि चेकिंग हो जाती है सामने से, और यहाँ से हो जाती है अपनी यात्रा चालू। तो चलते हैं, ट्रैक ताराकोट मार्ग, ये है कुछ नया ट्रैक, जो कि ये मैं सपनों में देखता था, और यहाँ के सपने देखता था कि अली ट्रैकिंग करूँगा। बट आज वो दिन आ गया है कि अली ट्रैकिंग सफल हुई, माता ने बुला लिया और ये अली ट्रैकिंग करने के लिए हमारे को। तो ये रास्ते मैं पहले देखता था उस वीडियो पर, रील्सों पर देखता था, तो आज यही ट्रैकिंग मेरे को करने को मिली। तो आज देखते हैं कि ट्रैकिंग कर पाएंगे कर गए पे। बट मेरे पूरे घर से कहता हूँ कि मैं ये ट्रैकिंग पूरे दिल से करूँगा अली ट्रैकिंग। तो करते हैं अली ट्रैकिंग का स्टार्ट, बट ये स्टार्ट तो वहीं से हो गई थी, तो अब चल रहे हैं आगे की साइड और करते हैं अली ट्रैकिंग को भी स्टार्ट। बिट्टू है तो कुछ तरह के बिट्टू है,
जो कि आपको यहाँ से यात्रा के लिए ले सकते हो आप यहाँ से बिट्टू, कुछ इस तरीके की बिट्टू है। अरे घोड़े कच्चर की तो जाने जाने के तो 1500 रुपये हैं, और आना जाना करना चाहते हो आप तो ये मैत्र 3500 रुपये में आना जाना बोल रहे हैं, बट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अगर कम बढ़ती करवाओगे तो वो भी हो जाएगा। बच्चों की गाड़ी की ये मात्र 120 रुपये चार्ज करते हैं, ये ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये प्यारी सी नदी ये आ रही ऊपर से जो आ रही है थोड़े हाथ मुँह धोने के लिए, बट ऊपर हम नहान करेंगे तो ऊपर है एक कुंड वहाँ पे नहान करेंगे, बट एक यहाँ पे एक छोटा सा दरख्त। हाथ फाइनली हम हाथ पैर धोने के लिए आ गए हैं, फाइनली हमने हाथ मुँह धो लिया है और सर के ऊपर पानी डाल लिया जो कि माता बुरा ना माने यहाँ से, तो कर लिया हमने। तो अब चलते हैं, अब ये फ़ोटो के फ्रेम यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचा दें। तो जैसे कि बात करी जाए यहाँ पे आने की, देखो आते हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि घोड़े कच्चर बिल्कुल उसका प्रयोग ना करो तो बेटर है मेरे तो मानो से, तो क्योंकि माता के भवन पे जा रहे हो आप तो घोड़े कच्चर को ना दुख पहुँचाओ किसी के दौरान, है ना। तो अगर आना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर से आओ, है नहीं तो अपनी पैदल यात्रा आओ, है ना, नहीं तो आओ ही मत। मैं तो ये बोलूँगा साथ सजेस्ट ये करूँगा कि किसी को दुख दे के आप ऊपर माता के पास तक जा रहे हो अच्छी बात थोड़ी है। अगर जितना पैसा इतने में 1200-1500 खर्च कर रहे हो, जैसे 1500 की डबल कर लो 3000 मात्र हेलीकॉप्टर किराया है, तो अब उनका उन पर प्रयोग करके आ जाओ जो कि आपको 10 से 15 मिनट में आपको ऊपर माता के भवन तक पहुंचा देंगे। बस मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी चाहो। अभी अपनी माता की यात्रा जी, माता तरीके के माता के द्वार है, जैसे अमरनाथ के द्वार जी बाबा जी का, तो यहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट मसाज मशीनें अगर ऊपर से तुम आते हो तो यहाँ से मसाज मशीनें करवा सकते हो। भैया क्या चार्जेस होंगे इनके मशीनों के, हैं चार्ज क्या होंगे? 50 रुपये चार्ज होंगे इसके, कुछ तरीके की मशीनें होगी। तो इसको इतनी तेज ने पत्थर फेंक के मारा जो कि मैं बना नहीं पाया, कैप्चर नहीं कर पाया वीडियो को, देखो इतनी गंदी तेज के नाड़ पे पत्थर फेंक के मारा, इतनी तेज के लग गई होगी। तो कैसे कैसे करते हैं लोग, सुंदर प्राचीन मंदिर एक ये है ऊपर माता के द्वार पे, इतना प्यारा मंदिर है। छोटा सब्सक्राइबर मिला है भाई, बताओ कब से वीडियो देख रहे हो मेरी? एक साल से। कौन सी वाली वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अच्छा गणपति बाबा की, कितनी बार देख ली होगी वाली वीडियो आपने? 6 बार पूरी, 6 बार पूरी पूरी भाई ने पूरी 6 बार वीडियो देखी हमारी। अच्छा लाइक भी करते हो तुम? अच्छा, ये भवन का व्यू कुछ इस तरीके का, हमने नीचे से स्टार्ट करा था वहाँ से और यहाँ तक पहुँच गए हम माता के भवन पर, ऊपर मज़ा आ गया, बस पहुँच गए चरण पादुका। तो ये है मंदिर, प्राचीन मंदिर जो कि माना जाना मंदिर है यहाँ का, तो इसके अंदर चलते दर्शन करते हैं। फाइनली चरण पादुका मंदिर के दर्शन हो चुके हैं हमारे, तो अब आगे की साइड चलते हैं हम। तो सबको पीछे छोड़ के और एक बैग ले रखा है मैंने, ये कंधे पे रख के, और देखो पसीने कैसे कैसे आ रहे, पूरी टी शर्ट गिरी हुई पड़ी पसीनों में। और मंदिर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे बिना मंदिर खड़ा हुआ है। फाइनली अर्धकुंवारी अपना रह गया है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा अपना, अर्धकुंवारी आ जाएगा। तो चल रहे हैं वीडियो, माता रानी ने इतना ऊपर बुला लिया है कि नीचे का कुछ नहीं दिख रहा और बादलों में ढक गए हैं। और एक आपसे एक बात और करनी है, शॉर्टकट भी दे रखे हैं यहाँ से सीधा जाने के, बट हम शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे, हम जैसा कि माता का रास्ता है वैसे ही लेके जाके, माता ने इतना ऊपर पहुँचा दिया तो और ऊपर और भी पहुँचा देगी। ले देख सकते हो अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, इतनी दूर। हाँ बट पीछे पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है पीछे।
पूरा मानो या बादल मानो, कुछ भी मान सकते हो उसको। और वो देख सकते हो कितना ऑसम व्यू है यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल चढ़ के, बट पसीने बहुत आ गए ये कहना होगा। आपको दिखा देता हूँ व्यू, ये देखो व्यू, तुम्हारे भाई ने एक सतमोला के काम, सतमोला के उसमें काम दिखा दिया, सतमोला सेंटा फ्रूट ये सब लेके आया अपने साथ, जो कि खाने में खाते पीते आराम से रहते हो। कोई मोस्ट व्यू इन वैष्णो देवी माता का, जो कि व्यू नज़ारा है के एक नंबर, जो कि आपको देखने को मिल रहा हो कितना बेहतरीन नज़ारा है। ओ माय गॉड, हेड टू अधकोरी थोड़े से दूर और फाइनली, मैं ही जानता हूँ मेरी हालत क्या हो रही है चढ़ते चढ़ते, बस थोड़े से फाइनली ऊंचाई का ये होता है नतीजा। और बंदरों से यहाँ से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बंदर फ़ोन या कुछ आपका खाना पीने का सामान जो होता है वो छीन लेंगे, तो बट वो मिलेगा नहीं वापसी। तो मैं भी बहुत देख के वीडियो बना रहा हूँ, जैसे देखो कितना रोमांचक मज़ा है, कितना रोमांचक नज़ारा है। फाइनली हल्का लाइट खाना खा लेते हैं। पेप्सी कंपनी के बेचे फैंटा, अंकल एक फैंटा दे दो। तो फाइनली एक चीज़ तो हमारे को अच्छी मिल गई कि हमने टॉयलेट के अंदर फ़ोन लगा दिया, हमारे 100 रुपये बच गए, जो कि एक घंटे के 100 रुपये लेते थे दुकान वाले। तो ये लोकेशन में बताऊँगा किस जगह है, तो आप भी यहाँ पे आके चार्जिंग कर लो ना, जो कि आपके पैसे बच जाएंगे। तो फाइनली ऊपर आते ही तो पूरा कोरा कोरा हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये पीछे आप टॉयलेट ब्लॉक शौचालय, तो इसके अंदर ही मैंने चार्जिंग करी थी, जो कि फिर ये पोस्ट मेरे को बिल्कुल कोई चार्ज नहीं देना पड़ा था, और यहाँ बचा के रखना पड़ेगा फ़ोन। फाइनली कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हो आप। तो फाइनली यहाँ तो टेम्परेचर बदला जा रहा है भाई, बारिश आ जा रही है, 2 मिनट बारिश आ रही है तेज, फिर रुक जा रही है, तो कुछ इस तरीके का पूरा धुंध 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 धुंध, बोलने में भी शर्मा आ रही है, धुंध 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 धुंध, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे को कुछ नहीं दिख रहा, पूरा छुपा पड़ा है, बस पता समझ में गए क्या करूँ। तो अभी आगे चलते हैं मंदिर के। श्री माता वैष्णो देवी स्थान पर भोजन लिया, मात्र ये है इसका भोजन लिया। अब ये जो भोजन लिया का खाना था, तो अभी हाल फिलहाल में 45 रुपये में राजमा चावल की प्लेट थी और एक कढ़ी चावल की प्लेट थी, मात्र इसी 45 रुपये में। और जो मैंने बताया देसी घी का हलवा था 35 रुपये में, और एक और चीज़ थी वो मेरे को याद नहीं, वो आप देख लो ना वीडियो में। और यहाँ पे आके आप कर सकते हो खाना, भोजन आराम से कर सकते हो, बहुत सस्ता बजट में ही है ये, बता रहे हो रास्ता यहीं पर ही पड़ता है ना, आके इस पर खाना खा लेते हो। फाइनली मोस्ट वेलकम फॉर व्यू इज, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हो आप बैक में कितना मज़ेदार व्यू है। और अब फिर हम तुम्हारा अच्छा सा पहन लेगा। तो जो अर्धकुंवारी मंदिर है, तो उसके अंदर एक गुफा है, तो उसकी टिकट के बारे में बात करें, तो उसकी टिकट जो होता है ना कैसे मिलती है, जो अपने एक कार्ड होता है जो नीचे वेरीफाइड कार्ड करवाते हैं, तो इसके दौरान टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा और ये आपसे पर्चा लेंगे, और इस पे जो नंबर लिखा होता है वो नोट करेंगे, तो उसके दौरान आपको पर्ची मिलेगी, जो कि 24 घंटे की पर्ची होती है अगले दिन की, बट वो उस वो नंबर जो आएगा ना वो अगले दिन ही आएगा आपका। तो एक ये जानकारी है, और एक वैष्णो माता है जो अपनी ना वैष्णो देवी माता है, तो हम वहाँ के लिए निकल गए हैं यात्रा करने के लिए, बट यहाँ पे तो अभी टाइम लगेगा दर्शन करने में, जब गुफा वुफा कल करेंगे तो उसका ब्लॉग मैं कल दिखाऊंगा। यहाँ से हुई थी लैंडस्लाइडिंग, जो देखो कुछ हफ्तों पहले हुई थी, जो कि देख सकते हो 3 मिनट तक टूटी पड़ी है। और ये देखो पहाड़ देख सकते हो कैसे नक्शा चेंज हुआ पड़ा पहाड़ों का,
देखो यहाँ पे देखो, और ये देख सकते हो यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, देख रहे हो। और ये भी देखो यहाँ पे भी, ये देखो उस तरह की लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है यहाँ पे। चलिए एक लस्सी ले ली, मात्र 25 रुपए की मिली है अमूल की लस्सी। और माँ का भवन सामने है, थोड़ा टाइम और लगेगा, पहुँच जाएंगे वहाँ तक, तो लस्सी पी लेते हैं। ये देख सकते हो लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है पूरी, देख सकते हो कैसे रोक रहा है। फाइनली पहुंचने वाले हैं माता जी के भवन, मात्र 1 किलोमीटर रह गया है फाइनली। अब बस माता के भवन पहुंच जाए जल्दी से, दर्शन करें, बट पहले नहाएंगे फिर दर्शन करेंगे। चलिए अपनी माता रानी के पास हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सामने जस्ट, और बस थोड़ी सी दूरी और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। और ये उड़न खटोले के लिए है, जो कि रास्ता जा रहा है उड़न खटोले का ही है, और हेलीकॉप्टर आ गई उधर, और उसका पता नहीं मुझे, ये उड़न खटोला है बगल में तो वो दिख गया, और वो माता रानी अपने सामने बिल्कुल अटैच में। फाइनली हम पहुँच गए हैं, तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच गया है वैष्णो देवी माता के धाम, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और भाई क्या बताऊँ आपको, बस पूछो मत, बस इतनी खुशी हो रही है कि पैदल यात्रा 17 किलोमीटर की हमने कंप्लीट करी है, बहुत मज़ा आ गया। तो आओ माता के दर्शन करा देते आपको बहुत जल्दी से, चलो चलते हैं। फाइनली हम आ गए दर्शन के लिए, तो दर्शन करते हैं।